कहाँ है नमस्कार सर नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर सुमन सिंह टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से जरा ऑडियो ऑडियो बताइए बेटा साक्षी जयसवाल सवाल और हरीश कुमार गंगवार खुशबू उमर जी प्रभाकर जी आडियो ईडी बता दीजिए बेटा ऑल क्लियर सर ये देखिए आपका डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस पेपर सोल्यूशन ये देखिए जो पेपर हम सल्यूसन करवा रहे हैं ये आपका 20 सितंबर 2018 हज़ार अट्ठारह शिफ्ट टू का पेपर है अगर किसी को डी ट्रिपल एस बी में एडमिशन लेना है तो ये देखिए नंबर दिया गया है नाइन सिक्स टू एट नाइन फाइव नाइन टू थ्री सेवन इस पर वो कॉल कर सकता है या व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकता है एक चीज़ और बताएं कि चार टीचर आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं चार टीचर पढ़ा रहे हैं मैं डॉक्टर सुमन सिंह बॉटनी वाला पोर्शन देखूंगा हमारे डॉक्टर सिन्हा सर जुलोजी वाला पोर्शन देखते हैं डॉक्टर महेश सर वो केमिस्ट्री देखते हैं और इंजीनियर हारिस मुस्तफ़ा वो फिजिक्स वाला पोर्शन देखते हैं एक चीज़ और है कि डरने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री है क्योंकि देखिए जितने भी बच्चे रहते हैं केमिस्ट्री फिज़िक्स उनकी कमजोर ही होती है तो सिलेक्शन आपका बायोलॉजी और कुछ केमिस्ट्री के सवाल से होते हैं और बेस जो फिज़िक्स के कुछ बेसिक सवाल आप सही कर लेते हैं तो आज देखिएगा आज जो मैं पेपर ला रहा हूँ देखिए इकोलॉजी का कितना रोल है मैं एक दिन वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि इकोलॉजी के सवाल यहाँ ज़्यादा आते हैं तो मैं आया हूँ मेरे पास बाद डॉक्टर सिन्हा सर भी आएंगे मतलब वो भी आए हुए हैं तो वो जुलॉजी वाला करवाएंगे मैं बॉटनी वाला करवा रहा हूँ तो ये आप देखेंगे चलिए तो प्रीति यादव जी भी हैं और नम्रता जी भी हैं कृति शर्मा जी भी हैं आशीष कुमार सरोज जी भी हैं अनुराधा अनुराधा जी भी हैं ठीक है अनुराधा जी हैं और रुबीना अंसारी हैं श्रद्धा मौर्या जी हैं ये देखिए आपका मैं अब शुरू कर रहा हूँ डायरेक्ट सवाल पर ये देखिए आपका आपको बताना भी है ये देखिए इटाई डिजीज इज काज ड्यू टू विच वीच आफ द फॉलोइंग पॉलुटेंट इटाई डिजीज किससे काज होती है किस पॉलुटेंट से लेड है कि कैडमियम है कि सिल्वर है कि मरकरी है ये इटाई डिजीज ये देखिए पढ़ाया गया है आपको इटाई डिजीज तो सबका आ रहा क्या है एक कभी आ रहा है जिसे कैडमियम कहते हैं तो सबका सही आ रहा है तो इटाईटाई डिजीज क्या हो गया ये आपका कैडमियम हो गया पहला सवाल देखिए आपका ये हो गया आपको पता था आगे देखिए ये दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है बिल्कुल ये क्वेश्चन देखिए दूसरा आ गया बी आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब सेलिब्रेट करा किया जाता है कब मनाया जाता है ये पाँच जनवरी है ये पाँच जून है ये थर्ड मार्च है ये फिफ्थ अक्टूबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू है. देखिए अब इसके जवाब वायरी कर रहे हैं सी आ रहे हैं डी आ रहे हैं बी आ रहे हैं ज़्यादातर सी आ रहे हैं डॉक्टर ऋषा मिश्रा जी के डॉक्टर ऋषा सिंह जी के सी आए और इसका जवाब जो है क्या है वो सी ही है तो ये थर्ड मार्च को मनाया जाता है थर्ड मार्च को मनाया जाता तो मतलब देखिए कॉल का कितना रोल है डी ट्रिपल एस बी में कि मैक्सिमम सवाल आज मैं जो बॉटी का बताऊंगा इकोलॉजी का ही बताऊंगा इसमें जो आया हुआ है तो ये आपके क्वेश्चन है तो दो का जवाब क्या हो गया सी हो गया आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द कॉप ट्वेंटी थ्री आप इवन यूनाइटेड नेशन ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 2017 में कहाँ हुई थी यू एन एफ सी सी ट्रिपल सी है कहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी ये तो ये आपको बात करना है देखिए इंडिया में कि यूएस में कि फ़्रांस में कि जर्मनी में ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर तीन है तो चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर तीन का क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब दीजिए देखिए इसमें सी आया डॉक्टर ईशा सिंह का अभिषेक सिंह प्रतापगढ़ का ए आया और ये देखिए डी आया राकेश रावत जी का है ना बाकी ज्यादातर लोगों का सी आ रहा है लेकिन जवाब इसका क्या है आपका डी ही है जर्मनी में हुआ था ये ये कहाँ हुआ था जर्मनी में हुआ था तो डी है जर्मनी में हुआ था बेटा आप चेक भी कर सकते हैं जर्मनी में ये हुआ था ठीक है अब आगे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोर है द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इको सिस्टम इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस की इको स्पीयर की इकोलॉजिकल निके की इकोटोन द मेंटेनेंस ऑफ एक्ब्रियम है ऑफ एक्लिब्रियम चलिए जवाब दीजिए क्या जवाब होगा इसका देखिए डॉक्टर ऋचा सिंह जी कह रहे हैं कि ए होगा ये बिल्कुल सही जवाब है इकोलॉजिकल बैलेंस होगा ये ये इकोलॉजिकल बैलेंस होता है क्वेश्चन नंबर फोर इकोलॉजिकल होमियोस्टेसिस होता है लेकिन होम्योस्टेसिस जैसा कोई शब्द यहां नहीं है तो आप इकोलॉजिकल बैलेंस लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका चार का ए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये फाइव है क्वेश्चन नंबर फाइव वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ये देखिए नेचर है ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस तो ये नेम की जगह नेचर नेचुरल रिसोर्स नेचुर। नेचुर। आई यू सी एन इंटरनेशनल ये देखें इंटरनेशनल है ये क्या है इंटरनेशनल 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 यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आई का ये पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये आपका पेरिस में है कि स्विट्जरलैंड में है कि न्यूयॉर्क में है कि लंदन में है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का देखिए जवाब आ रहा है स्विट्जरलैंड आपके बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सबके सही जवाब आ रहे हैं ये कहाँ है स्विट्जरलैंड में है स्विट्जरलैंड में है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान एक बॉटनी का सवाल आया ये देखिए अब तक एक का चल रहा था ये आया ये सबको पता होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स सवाल डिस्प्ले होने दीजिए टोनोप्लास्ट इज ए सराउंड विच सेल ऑर्गेनेल टोनोप्लास्ट किसको सराउंड करती है राइबोसोम को कि प्लास्टिड को कि वैक्यूल्स को कि लाइसोसोम को क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही आसान सवाल और आप लगा देंगे आप सोचिए कि डी ट्रिपल एस बी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है और अगर आपके पास मतलब एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो आप मेरे कहने से एग्ज़ाम भर दीजिएगा ये जान लीजिए ये मेरे कहने से ये हमारे यहाँ डॉक्टर महेश सर हैं उनका मिशन है कि इसको हम आगे बढ़ाएं लगातार देखिए चार संडे चौथा पेपर आइए चलता रहेगा जब तक पेपर है पेपर चलता रहेगा जब पेपर खत्म हो जाएगा तब तो मॉडल पेपर शुरू हो जाएगा लेकिन ये संडे संडे उनका एक मिशन है उसी मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं कि भैया इस पर काम करना है सर इस पर काम करना है उनका कहना है मुझसे भी स्पेशली कहा सर इस पर काम करना है तो पहले जो पेपर हुए हैं वो होगा पेपर के बाद मॉडल पेपर शुरू हो जाएगा लेकिन ये संडे संडे चलता रहेगा ठीक है तो सबके आ, सही जवाब आए वो क्या आ गया वैक्यूल्स हो गया ये वैक्यूल्स हो गया एक मिशन के तहत ये काम चल रहा है डी ट्रिपल एस बी के लिए शानदार नौकरी दिल्ली में नौकरी और अच्छी सैलरी उस नौकरी की है चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सेवन फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये कह रहा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जवाब दीजिए इसे चार ऑप्शन है विंड है सनलाइट है एलपीजी और टाइड है तो जवाब दीजिए क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये देखिए सबके जवाब बी आ रहे हैं लेकिन मेरे जवाब सी हैं मेरे हिसाब से जवाब ये सी है कन्वेंशनल का आ, जो मैंने देखा है मेरे अनुसार ये जवाब सी होगा कन्वेंशनल सोर्स हाँ तो एलपीजी हो जाएगा इसका तो तीसरा वाला ये सही है तीसरा वाला सही है ठीक है कन्वेंशनल सोर्स तो सी हो गया एल पी जी चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका एट ये देखिए कितना आसान सवाल है सवाल आने दीजिए आप सोचिए कि अगर इकोलॉजी की तैयारी है जो हर जगह पढ़ते हैं चाहे सी देना हो चाहे एस्टेट देना हो हर जगह आता आइए ये, ये देखिए आठवां है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट ऑलवेज अपराइट ऑलवेज अपराइट कौन होता है हमेशा सीधा पिरामिड कौन होता है पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ नंबर्स पिरामिड ऑफ डेट्री वोर्स क्वेश्चन नंबर एट सबका सही होगा चलिए तो क्या हो जाएगा ये आपका जवाब हो जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी आठ का बी ये तो सबका सही होगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या होता है अपराइट होता है ऑलवेज क्या होता है अपराइट होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी बिल्कुल तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ऑलवेज अप राइट आगे देखिए क्वेश्चन जो है यह है क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्मड ड्यू टू रेगुलेट इंपोर्ट इंपोर्ट एंड एंड एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल रेगुलेट द कौन सा ग्लो, ग्लोबल कन्वेंशन हुआ था जो के हेजार्डस केमिकल जो नुकसान करने वाले खतरनाक रसायन हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट कर रहा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की टोक्यो कन्वेंशन की आपका कोटो प्रोटोकॉल की आ, रोटर डैम कन्वेंशन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन का जवाब दीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ हेज़ार्डस केमिकल ये बात क्वेश्चन नंबर नाइन है चलिए ज़रा जवाब लगाइए नाइन का क्वेश्चन नंबर नाइन नहीं चलिए मॉन्टियल कहां था भैया ये आपका था ये आपका रोटर डैम कन्वेंशन है ये चौथा वाला ऑप्शन सही है चेक भी कर लीजिएगा इकॉलि के सारे सवाल हैं डी वाला सही है डी वाला सही है है ना डी वाला सही है हो गया चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है म्यूचुअलिज्म का कौन सा एग्जाम्पल है बर्नेकिल्स एंड वेल्स ऑर्किड्स एंड लार्ज ट्रीज एलगी एंड फंजाई है सी एनिमोन एंड क्रैब है क्वेश्चन नंबर दस का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर दस का जवाब आप दें चलिए क्वेश्चन नंबर टेन का जवाब दें क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस का आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के जवाब आ रहे हैं सी ये कैसे हो सकता है एलगी एन फंजाई कैसे अगर इसके जगह पर लाइकेन होता तब ना होता लाइकेन होता तब हो जाता माइको राहिजा माइको राहिजा होता तब हो जाता है नूका एन मोथ होता यूका एन मोत होता तब हो जाता ना न ये तो आपका एलगी एन फंजाई दे रहा है तो एलगी एन फंजाई को आप लोग कैसे कह सकते हैं भाई एलगी एन फंजाई को कैसे कह सकते हैं वो तो लाइकेन बनेगा तब ना होगा म्यूचुअलिज में तो लाइकेन आएगा लाइकेन आएगा माइकोराइजा आएगा ए एस सीबियोटिक एसोसिएशन आप या तो लिखा रहता है एस सीम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ़ एल्गा इन फंगस या एस सीम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ़ फंजाई इन रूट्स ऑफ फायर प्लांट तब आप कहते हैं ना एल्गी फंजाई सीधे सीधे लिखा है तो आप कैसे कह सकते हैं ये तो गलत बात है रावेंद्र कुमार कह रहे हैं देखिए सर डी होगा ये बिल्कुल से उमा कुमारी जी कह रहे हैं डी होगा ये बिल्कुल होगा ये देखिए डी कुछ लोग इसको कह रहे हैं दूसरे को ये कैसे हो सकता है आर्किड आर्किड जो होता है वो कमेंशलिज्म को शो करता है एपीफाइट्स क्योंकि तो एक को लाभ होता है दूसरा अनफेक्टेड तो कमेंशियलिज्म होता है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डी वाला जवाब होगा ये देखिए सवाल फंसा दिया आपको है ना आशीष कुमार सरोज हाँ ये फंस गया देखिए जो आसान सा सवाल और फंसा आपका चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन ये डॉक्टर सिन्हा सर बताएंगे जूलोजी का सवाल है आसान सा ही सवाल है लेकिन डॉक्टर सिन्हा सर बताएंगे ये उन्हीं का सवाल है ये है अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बारह है इकॉर्निया ये देखिए कह रहा है क्या इकॉर्निया जलकुंभी ई आई सी डबल एच ओ आर एन आई ए ये क्या है आपका जलकुंभी है हां अच्छा ठीक है जलकुंभी है इकॉनिया जलकुंभी वाटर है सिंध कैन बी क्लासिफाई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स इकानिया को किस प्रकार के प्लांट में रखा गया है जीरो एपीफाइट एपी हेलो हाइड्रोफाइट्स क्वेश्चन नंबर बारह जवाब आपके सही बिल्कुल हाइड्रोफाइट्स है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डॉक्टर सिन्हा सर बताएंगे अब इसके बाद मेरा जो सवाल है ये चौदह है देखिए क्वेश्चन नंबर फोरटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर बात कर रहा किसकी प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक फूड चेन एक्वेटिक फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा एलगी होगा कि फाइटो होगा कि जू होगा कि सार्क होगा प्राइमरी कंज्यूमर चौदह का जवाब दीजिए चौदह का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चलिए जवाब दीजिए बी देखिए बिल्कुल सही आपका आ रहा है चौदह का बी आपका फाइटो नहीं होगा ये तो आपका वो होता है प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हो रहा है ये सी देखिए राकेश रावत जी बता रहे हैं जू प्लैंगटान श्रद्धा जी बता रहे जू ये जू प्लैंगटान होता भैया फाइटो प्लैंगटन जू प्लैंगटॉन स्मॉल फिश लार्ज फिश और फिश ईटिंग बर्ड्स इस तरह से होता है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा ये आपका जू प्लैंग होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह का देखिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिए द केमिकल डिस्टिंक्शन ये देखिए क्या रहा है केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इको सिस्टम इज नोन एज तो केमिकल डिस्टिंक्शन की बात कर रहा है इकोक्लाइन है कि इकोटोन है कि बायोम है कि है. और है. 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 ये आपका इकोटोन तब होता जब ट्रांजिशन जोन होता ये केमिकल डिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है तो ये इको क्लाइन होगा उाइल इको क्लाइन होगा इको क्लाइन इकोटोन ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटी तो ये आपका इको क्लाइन होगा ईको क्लाइन होगा आगे देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका बीस सत्रह हो गया अट्ठारह उन्नीस बीस ये देखिए बीस क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए ये देखिए ब्लास्ट इज द डिजीज विच ऑफ ब्लास्ट इज द डिजीज ऑफ विच क्रॉप ब्लास्ट किस क्रॉप की डिजीज है सुगर केन की कि पैडी की कि व्हीट की कि कॉटन की ब्लास्ट कह रहा है किसकी डिजीज है किसकी डिजीज है ब्लास्ट ये देखिए आपके डीजी का आ रहा बी ये आप, आप देखते हैं एक डिजीज होता है ब्लास्ट ऑफ राइस ब्लास्ट ऑफ राइस ये काज करता है कौन पीरिकलेरिया पीरिकलेरिया और आईजी पीरिकलेरिया और आईजी ब्लास्ट ऑफ राइस तो ये हो जाएगा क्या आपका पैडी ये हो जाएगा पैडी पैडी हो जाएगा ब्लास्ट ऑफ राइस तो पैडी अब इसके बाद देखिए क्या इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सैतालीस पर है ये देखिए सैतालीस नंबर पे क्या है चलिए सवाल आप आ जाने दीजिए हां वाटर इज नॉट पल्यूटेड बाई वाटर इज नॉट ये नॉट है पॉल्यूटेड बाई वाटर किससे पल्यूटेड नहीं होता रोडेंटेसाइट से पेस्टिसाइड से माइक्रो ऑर्गेनिजम से हर्बिसाइट से किससे नॉट कह रहा है चलिए जवाब दीजिए जल्दी से नॉट किससे पल्यूटेड नहीं होता है आपका सैंतालीस का सी आ रहा है बिल्कुल सही बात है ये देखिए पलूट करेगा ये पल्यूट करेगा ये पलूट करेगा ये नहीं करेगा और जवाब कौन जो नहीं करेगा वही जवाब है क्यों नाट पूछ रहा है अब आगे देखिए नेक्स्ट है सत्तावन तो ये देखिए फिफ्टी सेवन क्वेश्चन देखे वाटर इज मोस्टली ट्रीटेड विथ क्लोरीन वाटर जो है क्लोरीन से ट्रीट किया जाता क्यों टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम टू डिक्रीज बी टू डिक्रीज सी ओ डी टू इंक्रीज डी ओ फिफ्टी सेवन 57 सेवन का जवाब दीजिए और देखिए इसमें आपके जवाब आ रहे हैं ए सबके जवाब आ रहे हैं ए अब बिल्कुल सही आ रहा है ये टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम अब आगे देखिए आखिरी जो सवाल मेरा है वो 75 है अब आगे देखिए ये आपका सेवेंटी फाइव क्वेश्चन और ये आपका सत्रह क्वेश्चन बॉटनी के थे मैंने करवा दिया ये देखिए आखिरी सवाल है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एंड की फैक्टर इन द इकोसिस्टम व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एंड की फैक्टर इन द इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स और सॉयल ये देखिए सबके जवाब इन्हें पचहत्तर वाला देखिए आ गया खुशबू उमर का ए और सबके जवाब ए आ रहे हैं एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो ये बिल्कुल सही जवाब है तो ये आपके बॉटनी वाला पोर्शन करवा दिया आपने दिखा सारे सवाल इकोलॉजी के थे केवल दो सवाल को छोड़ करके तो अब डॉक्टर महेश सर आएंगे आज उनको चोट भी लगी है लेकिन जो युद्ध के मैदान में लगे हैं पैर में बड़ी तगड़ी चोट है बेचारे की केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं तो लेकिन अ, अब सिन्हा सर आ जाइए तब सिन्हा सर कराएंगे डॉक्टर सिन्हा सर डॉक्टर साहब तो ये देखिए कितनी मेहनत का काम है कि चलता रहेगा मैंने कहा न कि ये डी ट्रिपल एस बी हम लोग का एक मिशन है उसमें सेलेक्शन दिलाना जब तक ये चलेगा भैया पेपर जो प्रीवियस ईयर के चलेगा जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा तो यह क्या आएगा मॉडल पेपर आएगा तो धन्यवाद आए? सर और धन्यवाद बच्चों कैसे आप बहुत अच्छे होंगे डॉक्टर सुमन सर ने काफी ज्यादा सवाल करा दिए हैं तो मेरे कुछ ही सवाल उसमें बचे हैं ये मैं बता रहा था कि साइंस और नेचुरल साइंस में क्या अंतर है नेचुरल साइंस नेचर के साथ की लगी हुई है जैसे इकोलॉजी आपकी एक प्रकार की नेचुरल साइंस है सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं और दूसरे अगर जंतु विज्ञान में जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं लेकिन इस बार उसके भी सवाल बहुत कम है तो आप कृपया इस बात का ध्यान दें इस बात का अंतर रखें कि साइंस और नेचुरल साइंस में कैसे हम लोग अंतर कर पाएंगे और किस बात पे फोकस हमको करना है तो ये क्वेश्चन नंबर ग्यारह लगा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज ड्यू टू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी काज होती है टाइफाइड टीबी एचआईवी और लेपरोसी ग्यारह नंबर पर हैं आप निश्चित बहुत अच्छे सवाल आपने दिए हैं आप बहुत योग्य हो गए हैं जैसे मैं आपको बता रहा था हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें कि जो हम लोगों ने एक ब्रह्मास्त्र बैच चलाया था उसमें इतने बार टेस्ट हो चुके हैं कि वो जब भी क्वेश्चन आता है वो बच्चे तुरंत आंसर बताने के लिए तैयार हो जाते हैं ये संडे स्पेशल प्रोग्राम है स्पेशली नेचुरल साइंस के लिए तो आपने जवाब यहाँ पर बताया है टाइफाइड टीवी है नहीं एच आई है नहीं और लेप्रोसी नहीं है और दूसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं सर थर्टीन तेरह नंबर पर है डायवर्जियन इज इन कैटल इज ट्रांसमिटेड थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग एक ये पैथोजिन है जो बीमारी कास करता है इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है मॉस्क्यूटो हाउस फ्लाई पिग और टिक्स सेकेंडरी होस्ट जिसको हम लोग वेक्टर होस्ट या ट्रांसमिटेड होस्ट के नाम से जानते हैं तेरह नंबर का क्वेश्चन आने पर जवाब आप जल्दी से दे देंगे आप जवाब दे पाएंगे ऐसा हम जानते हैं आशीष हैं निकता है श्रद्धा है अनुराधा भी हैं बहुत जबरदस्त हैं लेकिन इसमें श्रद्धा और अनुराधा ने अलग आंसर दिए हैं टिक्स अब सही हुआ जाके अब सही भी लोग बता रहे हैं टिक्स और ये आंसर सही है सही है टिक्स है है टिक्स माइट्स जिसमें जू चीलर और आते हैं तेरह नंबर हो चुका है और अब सत्रह नंबर पर आएंगे सत्रह में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ विदेशी प्रजाति कौन है साहिवाल फ्रीवाल मुर्रा जर्सी फॉरेन ब्रिड काऊ गाय की विदेशी प्रजाति कौन सी है सत्रह नंबर पर है आप आप निश्चित ध्यान रखे रहेंगे डी ट्रिपल एस बी एनसीआरटी बेस्ड एग्जाम है नेचुरल साइंस का पार्ट इसमें आना है और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे निश्चित आप सफलता को प्राप्त कर जाएंगे इसलिए यहां पर अलग अलग लोगों को लगाया गया दो प्रकार के आंसर आ गए हैं यहाँ पर ए आ गया है और डी आ गया है जिसमें से ए काफी ज्यादा है ए काफी ज्यादा है और डी अशोक कुमार है और काशिमा मिश्रा है मीन्स डी को लोगों ने कम किया है और ए को ज्यादा किया है ठीक तो जो ज्यादा करते हैं एग्जाम में वो अधिकतर गलत हो जाता है जो ज्यादा करते हैं अंदाजे में वो गलत हो जाता है आपको इसमें से जर्सी करना होगी और दिक्कत होगी तो ये क्वेश्चन होमवर्क में डालेंगे और घर से इसको सही करेंगे जब ज्यादा डाउट हो जाए तो होमवर्क में डाल लेना है और घर से उसको सही कर लेना है जर्सी यहां पर आंसर होना चाहिए ये सत्रह नंबर पर आ गए हैं अठारह सर देखें देखिए रेरिंग ऑफ आर्थफॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्मी कल्चर कल्चर एक्वा कल्चर एग्रीकल्चर रेयरिंग ऑफ आर्थफॉर्म रेयरिंग ऑफ आर्थफॉर्म अट्ठारह एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है सेकेंड वॉल्यूम के सवाल था वो इसमें आपको बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा 300 300-250 कुल मिला के पाँच सौ पेज एन के हैं एक घंटे बैठेंगे दो से तीन पेज पढ़ लेंगे कितने घंटे में आप इसको खत्म कर पाएंगे ये आंसर एकदम सही आ गया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है होना भी नहीं चाहिए वर्म होता है इसलिए वर्मी कल्चर इसको बोलते हैं सत्रह नंबर का सवाल निकल चुका है और अब आ गया उन्नीस नंबर उन्नीस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूड टाइप ऑफ टिश्यू जल के रूप में कौन सा ऊतक होता है कार्टिलेज, इपिथिलियल बोन और ब्लड उन्नीस नंबर सीधे सवाल पूछे जाते हैं इस एग्जाम में और एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन और आपको निश्चित आसान लगता है लेकिन ध्यान जरूर देना होता है नहीं ध्यान देंगे गलत हो जाएगा डी आंसर दिया है ये सरोज सरोज का गलत हो गया सरोज बेचारे मारे गए इन्होंने कार्टिलेज किया है देखिए ब्लड एक इस प्रकार का टिश्यू है इसको हम लोग मोटाइल फ्लोड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ये एक ऐसा ऊतक होता है पूरी की पूरी बॉडी में जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो ब्लड यहां पर रुधिर जो है रक्त है इसको हम लोगों को करना होगा 19 नंबर का सवाल आपका निकल चुका और अब कोई सवाल हमारे पास नहीं है ये पांच से छह सवाल ही थे सवाल और थे जो कि इकोलॉजी में डॉक्टर सुमन सर ने निकाल लिए बहुत अच्छा हुआ बहुत बधाई आप सबको आने के लिए यहां पर इतने ज्यादा लोग क्यों लगे हुए हैं इस बात का आपको अंदाजा हो कि विशेष लोगों से जब बात होती है तो कुछ और भी चीजें मिल जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान हमको मिल जाता है तो बहुत बधाई संडे स्पेशल के लिए अगले संडे को हम लोग फिर मिलेंगे जो फ्रेंड्स हैं आपके वो तुरंत आ जाएं नेचुरल साइंस के लिए यहां पर काम हो रहा है साइंस नहीं नेचुरल साइंस ठीक है तो अब डॉक्टर महेश सर आपके बीच में आ रहे हैं जो केमिस्ट्री के पार्ट को करेंगे बचे हुए पार्ट को करेंगे तो महेश सर बहुत योग्य हैं और बहुत लीड कर रहे हैं आज इनको चोट भी है फिर भी आपके बीच में है थैंक यू धन्यवाद आपको भी थैंक यू सर गुड इवनिंग एवरी वन चलिए स्टार्ट करते हैं बॉटनी जुलॉजी जो सर लोगों ने करा दिया है फिजिक्स का आज सर नहीं आ पाएंगे भौतिक विज्ञान कराने के लिए केमिस्ट्री के लिए जो क्वेश्चन हैं हमारे पास उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का बन रहा है सर क्वेश्चन नंबर सोलह हालांकि ये क्वेश्चन आप सब लोग <coughs> इकोलॉजी वाले पढ़ते होंगे पॉल्यूशन चैप्टर में यहां का कोई लेना देना है भी नहीं लेकिन फिर भी हम लोग केमिस्ट्री में भी इसको शामिल करते हैं पॉल्यूटेंट कंपोनेंट कौन सा है एसिड ड्रेन एसिड रेन ड्रेन कराने के लिए सर कौन सा पॉल्यूटेंट कंपोनेंट होता है एसिड ड्रेन कराने के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपके बायो का ही है दोनों में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं बायो में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में उसकी केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ रहे होते हैं बायो में से नाम याद कर लेते हैं सबको पता होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में कौन सा आंसर आएगा सेकेंड नाइट्रिक एसिड सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड जो होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के एसिड ये एसिड रेन में गिरते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इक्कीस कंजुगेट बेस ऑफ एनएस थ्री ये जो है इन्होंने टाइप गलत कर दिया है तो जहाँ गलत टाइप हो जाता है वहाँ हम कालिक पोत देते हैं है ना क्योंकि ये कालिक पोतने वाला काम ही किया गया है और इसको सही कर देते हैं और अमोनिया एन एच थ्री अब क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर एन एच थ्री का सर हमको कंजुगेट बेस बताना है इसका मतलब यहाँ पर एन थ्री अगर इसका कंजुगेट बेस बताना है तो इसको एसिड माना जा रहा है और एसिड वो होता है सर जो H+ प्लस डोनेट करता है और H+ प्लस देने के बाद इस पर सर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यही इसका संयुग्मी छार यानी कंजुगेट बेस कहलाएगा क्या कहलाएगा हमारे पास कंजुगेट बेस कहलाएगा संयुग्मी छार कहलाएगा चोट वही एक्सीडेंट हो गया था है ना चोट जो है एक्सीडेंट हो गया दो चार गाड़ी में चढ़ा ले गए <laughs> दया भाव किसी के अंदर आजकल है नहीं अमोनिया यहाँ पर हमको लिखा गया है और H प्लस निकलने के बाद तो किसी से भी H प्लस निकल जाएगा जो बना हुआ क्षार होगा वो कंजुगेट बेस कहलाएगा तो ये लिखा हुआ है हमारे पास एन एच टू माइनस क्वेश्चन नंबर इक्कीस का कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर निकल के आएगा क्लियर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाईस अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं इसको एस्टिक एसिड यह लिया गया जिसको बहुत से लोग सिरका के नाम से भी बोल देते हैं एस्टिक एसिड को जब हम लोगों ने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट या ट्रीट कराया एक्चुअल में लिथियम एलमुनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं सर हम लोग अपचायक को किसको बोलते हैं अपचायक को बोल रहे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है सर दो कार्बन की एसिड है पहला कार्बन ये दो दो कार्बन की एसिड को दो कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट करने का इसको श्रेय जाता है और ये वो है जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है यानी इथेनॉल एल्कोहल रात आठ बजे नौ बजे बाद इसके शौकीन लोग अक्सर आपको रोड पर जगह जगह पर पिकनिक मनाते दिखेंगे ठीक है तो ये हमारे पास क्या है इथेनॉल और ऐसे ही किसी ने पिकनिक मनाने वाले इंसान ने अपना इंटरटेनमेंट मेरे पैर के साथ कर दिया और रात के समय था कल तो हो गया ये उनसे ठीक है फिर हमने भी माफ कर दिया उनको क्या ही किया जा सकता है अब इथेनॉल जो बना हुआ है सर इस इथेनॉल की रिएक्शन हमने पी सी एल फाइव से कराई फॉस्फोरस पी सी एल फाइव पी सी एल फाइव से कराने पर सर ये एक्चुअल में एक सब्सटीट्यूशन होता है जहाँ सी एस थ्री सी एस टू सी एल के साथ साथ पी ओ सी एल थ्री और केमिस्ट्री में जिन्होंने के केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा ये एक बड़ी कॉमन सी रिएक्शन होती है पी सी एल फाइव से अक्सर यही रिएक्शन आती है और यही साइड प्रोडक्ट बनते हैं पी ओ सी एल थ्री हाइड्रोजन क्लोराइड सी एस थ्री सी एस टू सी एल उसके बाद फिर एल्कोहलिक के ओए एच अगला काम एल्कोहलिक के ओ एच एल्कोहल नाम आजकल बहुत आ रहा है और हमारे लिए बहुत दुख है इसका क्योंकि कल इसके भुक्त भोग रहे हम <laughs> किसी एल्कोहलिक पर्सन ने तो एल्कोहलिक के ओ एच क्या करता है सर इलिमिनेशन कराता है क्या कराएगा एलिमिनेशन कराता है और यहाँ से सर हमको सी टू डबल बॉन्ड सी एच टू और प्लस डी हो जाता है हाइड्रोजन भी निकलता है हेलोजन भी निकलता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डी बोल देते हैं ठीक है तो सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू बन जाएगा यहाँ पर यानी सी टू एच फोर जिसको हम लोग एथाइलिन भी बोलते हैं और बायो वाले ये समझ रहे होंगे इथाइलिन का काम इथाइलिन गैस फलों को पकाने के लिए भी शायद इसका यूज होता है आप लोग पढ़ते हो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इथाइलिन आगजीन है ना ये सब पढ़ते हो ना जिब्रेलिन सब आता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का कौन सा आंसर लगाओगे यहाँ पर फर्स्ट लगाओगे ठीक है चलो अगला जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के बाद ट्वेंटी थ्री है अपने पास केमिस्ट्री का आई यू पी एस देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसको हम लोग गुड क्वेश्चन में डालेंगे इसको गुड़ भी देंगे चीनी ना देके के इसको गुड़ देंगे हम लोग उसकी वजह ये है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है आई पी का यहाँ हम लिखते हैं अगर वहाँ दिक्कत है तो वहाँ दिक्कत होगी भी एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच है और ये सात तो यहां इन्होंने कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया क्वेश्चन में कुछ चीजें छोड़ दी हैं तो कभी कभी क्या होता है अपनी गलती से भी आप एक्सीडेंट नहीं होता दूसरी गलती से भी एक्सीडेंट होते रहते हैं मार्केट में ठीक है अब सर यहां पर आई पी नेम लिखने के लिए सात कार्बन है सात कार्बन से हैपटेन हो गया नाम तो हैपटेन हो गया बट समस्या यहाँ पर क्वेश्चन तेईस में ये है कि सर नंबरिंग किधर से करें डबल बॉन्ड या ट्रिपल तो हम यहाँ बता देते हैं इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अगर केस सिमेट्रिकल होता है तो हम लोग सर डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर यानी जिधर से जैसे डबल बॉन्ड इधर लगाया तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात से हो गया हैप्ट और वन पे लगा हुआ है इन सिक्स पे लगा हुआ है आइन तो हैप्ट वन इन सिक्स आइन हो जाएगा हेप्ट वन एन सिक्स नाइन जहाँ दिख जाएगा उसको ठोको वाला काम कर दो सिद्धू जैसा और आंसर लगा दो हेप्ट वन एन सिक्स नाइन ये अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री वाला ठीक है क्लियर है यहाँ तक ट्वेंटी थ्री वाला क्वेश्चन एनी वन एल्स ट्वेंटी फोर अब देखो ट्वेंटी फोर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है यहाँ हम लिख देते हैं लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि ये कैलकुलेटिव हो जाएगा तो हमने क्या है कि पहले से परिश्रम कर लिया कैलकुलेट करके लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा लेंदी है समझ लो वेव नंबर ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ द सीरीज ये पूछा है तो वेव नंबर ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ द सीरीज वो भी विजिबल रीजन में तो सर वेव नंबर निकालने के लिए हमको पहले वेव निकालते हैं हाइड्रोजन के लिए ये फार्मूला होता है वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर तो एक्चुअल में होता है क्या है सर कई सीरीज होती हैं इलेक्ट्रॉन का हाइयर सेल से लोअर सेल में जंप करने के लिए एक पढ़ते हम लोग लाइमन सीरीज जहाँ पर एन वन वन होता है और एन टू हमारे पास टू थ्री से लेकर फोर फाइव सिक्स सेवन और ये अल्ट्रा वायल्ट रीजन में आता है यू वी रीजन में और विजिबल रीजन में जो हम बोल रहे हैं विजिबल रीजन में वो आता है सर बी एल एम ई आर बामर सीरीज जहाँ पर पहली सेल दो है और कोई हाइयर वाली सेल थ्री फोर फाइव एंड अप तो एन वन की वैल्यू यहाँ पर दो रखेंगे एन टू की वैल्यू लिमिटिंग लाइन के लिए थ्री रखेंगे आर की वैल्यू फिक्स होती है वन जीरो नाइन सिक्स सेवन सेवन सेंटीमीटर इनवर्स जेड हाइड्रोजन के लिए वन हो गया यहाँ से हमको वन बाई लेमडा निकलेगा और वन बाई लेमडा के इनवर्स कर देंगे सर इस तरीके से तो जो लेमडा बार हमने लिखा हुआ है यही लेमडा बार क्या कहलाता है सर वेव नंबर एक्चुअल में ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत लोग को याद रहता है बहुत लोग इसको याद भी कर लेते हैं जिनको नहीं याद है ठीक है अब यहां पर आंसर देखो हमने तो निकाल के रखा है वो हम बता देते हैं और ये क्या हो गया चौबीस का सेकंड वाला आंसर आ जाएगा इसमें ट्वेंटी फोर का सेकंड आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आ जाओ गलत स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें है ना और किसी को गलत बताने के लिए खुद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है hmm. है ना किसी को गलत बताने के लिए खुद का अच्छा होना बहुत जरूरी है एक कहानी आपने सुनी होगी एक बार जो है एक गांधी जी के पास एक एक इंसान आया अपने बच्चे को लेकर ग्राम ग्राम के वासी बोले कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है इसको मीठा खाने के लिए मना कर दीजिए तो गांधी जी ने कहा तुम तीन दिन चार दिन पाँच दिन बाद आना फिर जब पाँच दिन बाद आया तब गांधी जी ने उसके बच्चे को मना किया बेटा ज़्यादा मीठा मत खाया करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी शरीर के अंदर तो कहा पर उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आपने चार पांच दिन बाद क्यों बुलाया तो गांधी जी ने कहा मैं खुद उस समय मीठा ज़्यादा खा रहा था तो जो चीज़ मैं खुद नहीं कर सकता वो दूसरे को कैसे सलाह दे दूं कि ये कर लो तो पहले उन्होंने चार पांच दिन शुगर छोड़ दिया कि अब मैं भी शुगर छोड़ चुका हूँ चीनी छोड़ चुका हूँ ज़्यादा खाना तो आप पे भी अब अप, अप्लाई अब आपको कहने लायक बन चुका हूँ तो गलत ढूंढना बड़ा कठिन काम है गलत ढूंढने के लिए आपका सही होना बहुत जरूरी होता है यहाँ गलत सही देखो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस देखो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम लोग कोई भी सल्फाइड टाइप का जो ओर होता है सल्फाइड और जैसे अर्जेंटाइट Ag2S, ए जी टू एस सल्फाइड पी बी एस जिंक सल्फाइड जेड एन एस सल्फाइड ओर का प्योरीफिकेशन करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं इसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटी बुलबुले के फॉर्म में पानी पर तैरती है और वहां पर हम लोग पाम ऑयल या चिन ऑयल इस तरीके से डाल देते हैं उस ऑयल पे चिपक के इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती है और मेटल प्योर हो जाता है तो लिखा हुआ है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ और पार्टिकल फ्लोट ऑन वाटर बिल्कुल सही है और पाइन ऑयल पर चिपक जाता है वेट हो जाता है क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ पर चलो गुरु नानक जी थे अरे भाई मोहित जी पता नहीं हमको किसी ने गांधी जी बताया तो हमने गांधी जी बोल दिया होंगे जो भी है बात ज़रूरी है किसने कहा ये ज़रूरी नहीं था तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है सिल्का इज यूज एज फ्लक्स इन द मेटेलर्जी ऑफ आयरन सर ये गलत स्टेटमेंट है आयरन की मेटेलर्जी में जो हम लोग यहाँ लिख देते हैं आयरन की मेटलर्जी में चलिए गुरु नानक जी थे बहुत अच्छी बात है हम लोग लाइम स्टोन का यूज करते हैं हम किसका यूज करते हैं सर लाइम स्टोन का ये ठीक है यहां लिखा हुआ है हम लोग सिल्का का यूज करते हैं सिल्का का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता जोन रिफाइनिंग मेथड मोल्टन जोन कंटेनिंग मोर इम्प्योरिटीज देन ओरिजिनल मेटल बिल्कुल सही है सर ये भी करेक्ट है टाइटेनियम जर्कोनियम के लिए हम लोग वन आर्कल मेथड यूज करते हैं ये भी करेक्ट है मेटलर्जी का चैप्टर है तो एक ही गलत स्टेटमेंट ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया क्वेश्चन नंबर पच्चीस में कौन सा होगा सेकेंड वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छब्बीस में आ जाओ हेनरीला अब ये हेनरीला बड़ा अच्छी चीज़ है कोल्ड ड्रिंक में जब आप देखे होंगे जब रोकन खोलते हो तो गैस बाहर निकलती है तो वो हैंनरी ला पे ही हैनरी ला बोलते हैं हाई प्रेशर पे गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है इसलिए सी ओ टू गैस को कोल्ड ड्रिंक के अंदर हाई प्रेशर पे भर के उसको घोल दिया जाता है अब यही सॉलिबिलिटी वाला केस हमारे उन सिपाहियों पे भी लगता है जो समुद्र के नीचे गोताखोर होते हैं वो जाते हैं नीचे बहुत प्रेशर हाई होता है तो ब्लड के अंदर उनको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी और छः महीने बाद जब पनडुब्बी से बाहर आएंगे तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने से अब जो गैस हमारे ब्लड में घुली हुई है जो ऑक्सीजन लेते हैं वो बुलबुले के फॉर्म में बाहर आने लगती है और हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है ब्लड वेसल के अंदर बुलबुले बन जाते हैं जिसको ब्लेंड बोलते हैं बी एल ई -E एन डी लॉजिक स्टूडेंट हो सब समझ रहे होंगे। तो इसलिए कभी भी गोताखोर को हमेशा एक बार में बात जो जो छः महीने नीचे रहते हैं हमारे सैनिक तीन तीन महीने पनडुब्बी में उनको एक ही बार में प्रेशर निकाल के एटमॉस्फेयर में नहीं रखा जाता कुछ देर अडॉप्ट करने के लिए समय दिया जाता है एक हफ्ते इस मौसम में रखा जाता है कि धीरे धीरे अडॉप्ट करें नहीं तो उनकी बॉडी में ब्लेंड बनने का खतरा रहता है ये सब हेनरी लापी बेस्ड है गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट बिल्कुल सही है गैस कभी भी सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए गैस ना टूटनी चाहिए ना जुड़नी चाहिए टेम्परेचर इज हाई ये भी सिक नॉट एप्लीकेबल बोला है तो सर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर गैस का खुद का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो सर हेनरी लॉ अप्लाई वहां पर नहीं हो सकता है फिर ठीक है तो 26 का कौन सा आंसर आएगा यहां पर फर्स्ट आंसर आएगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां पर बताओ का कौन सा हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आ जाओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ प्रेजेंट इन एम्फोटेरिक्रुप ग्रुप सर ग्रुप में आता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ और एम्फोटेरिक ऑक्साइड फिफ्टीन ग्रुप में कौन कौन से होते हैं सर ए एस टू ओ थ्री आर्सेनिक ऑक्साइड और एस बी टू ओ थ्री एंटीमनिक ऑक्साइड ये दोनों ही कैसे होते हैं सर एम्पोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ये बार बार हम लोग ने पढ़ा हुआ है और सर अगर यहां पर अब हम लोग लिखना चाहें तो ये होता है सर हमारे पास सेकेंड पीरियड का ये होगा थर्ड पीरियड का और ये हो गया फोर्थ पीरियड का ये हो गया फिफ्थ पीरियड का और लास्ट में चला गया सिक्स पीरियड आर्सेनिक अगर देखोगे फोर्थ पीरियड में है नाइट्रोजन के लिए लास्ट में वन एस टू टू एस टू और टू पी थ्री होता है यानी कि सर एन एस टू एन पी थ्री ये होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट्स तो इसके लिए टू एस टू टू पी थ्री था तो इसके लिए थ्री एस टू थ्री पी थ्री आएगा तो फोर्थ पीरियड आर्सेनिक के लिए क्या आएगा सर फोर एस टू फोर पी थ्री आएगा लास्ट में और एंटीमनी के लिए क्या आएगा लास्ट में फाइव एस टू फाइव पी थ्री आएगा तो क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है ये ये भी क्वेश्चन यहाँ पर लाजवाब की कैटेगरी में डालते हैं पहले ये पहचानना था कि एम्पोटेरिक ऑक्साइड 15 ग्रुप में कौन है और फिर जाके उसका पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना था तो 4s2 4p3 या तो 5s2 5p3 जहां मिल जाएगा वो आंसर लगा देंगे तो 4s2 5p3 ये मिल गया और अट्ठारह दस अट्ठाईस दो तो तीस तीन तैंतीस यानी कि आर्सेनिक का ये हमने यहाँ आंसर आ गया फोर एस टू फोर पी थ्री ट्वेंटी सेवन का कौन सा हो जाएगा ठीक है फास्ट हो जाएगा क्लियर नहीं क्लियर यहां पर नॉट पूछा नॉट ही बताया पीछे वाले नॉट एप्लीकेबल तो हाई प्रेशर प्रेशर ऑफ द गैस बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए बाकी सब एप्लीकेबल है ट्वेंटी एट लीचिंग मैथड क्या होता है तो सर देखो सोना चांदी को सोना चांदी ना मिले तो सोना चांदी नाम सुनते ही मन में लाला जाने वाली चीजें हैं सोना चांदी मतलब सिल्वर और गोल्ड सिल्वर गोल्ड को प्योरिफिकेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो लीचिंग है लीचिंग मेथड को ही हम लोग सर मैक ऑर्थर मेथड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सर मैक ऑर्थर मेथड लीचिंग मैक ऑर्थर कैसे होता है तो हम दिखाते हैं कैसे होता है तो अर्जेंटाइट सिल्वर सबसे पहले तो अर्जेंटाइट ले लो सिल्वर का ये होता है अर्जेंटाइट सिल्वर सिल्वर गोल्ड सर अर्जेंटाइट ए जी टू एस को सबसे पहले सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं और यहाँ से सर हमको सोडियम सल्फाइड बन जाता है अलग और हमको यहाँ से सिल्वर मिल जाता है सर जो इम्प्योर फॉर्म में होता है ठीक है और यही सिल्वर जो हमको यहाँ पर मिला हुआ है सर अब इस केस में एन ए जी सी एन का होल्ड अगले प्रोसेस में इसकी रिएक्शन जिंक से कराते हैं और जिंक से कराकर एन ए टू जेड एन सी फोर और प्लस प्योर सिल्वर ऑप्टेन कर लेते हैं यही प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है लीचिंग कहलाता है तो सिल्वर और गोल्ड को बनाने के लिए लोग मेटलर्जी में जो यूज करते हैं हम लोग वो कौन सा प्रोसेस होता है सिनेबार एच जी एस होता है ठीक है और कैलेमाइन कैल्शियम के लिए है कैलसीटेराइड भी पैलेडियम के लिए होता है बचा हमारे पास अर्जेंटाइट तो 28 का कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर डी वाला है ना क्लास 11 ट्वेल्थ के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर उनतीस सर दो तरीके की रिएक्शन होती हैं कौन कौन अगर सर इस तरीके के रिएक्शन में टू ए जी प्लस टूट गया ए जी में और ए जी प्लस टू में तो प्लस वन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है यानी रिडक्शन हुआ और प्लस वन से प्लस टू यानी ऑक्सीडेशन हुआ और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सर डिसपोर सियोनेशन रिएक्शन डायटेंशियाल की लाइन की किताब है क्लास नाइन्थ से ठीक है लेकिन सर अगर इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दें कहने का मतलब जो ये लिखी गई रिएक्शन है इसको उल्टा करके लिख दें एजी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड ले लिया और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में अगर हमने ले लिया अब ये रिएक्शन क्या कहलाती है सर अब अब इसको इसको हम लोग ये लिखा हुआ कम क्या बोलते हैं हम लोग कम प्रपोर्सियोनेशन रिएक्शन के नाम से जान रहे होते हैं तो ट्वेंटी नाइन का कौन सा आंसर हो जाएगा यहां पर थर्ड आंसर बनेगा ट्वेंटी नाइन में कौन सा हो जाएगा थर्ड आंसर बनेगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है 29 में 30 क्वेश्चन आ जाओ 30 का करेक्ट ऑर्डर ऑफ विद्युत ऋणात्मकता का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और फिटिन और फिर लेड आता है ये लगभग सेम ही होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस ये गलत लिख गया है तो इसको सही कर देते हैं हम लोग ऑक्सीजन ये सही लिखा हुआ है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सर साइज के इन्वर्स होती है साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है सर डिक्रीज करती है ग्रुप में जाने पर तो ये वाला आंसर सही है थर्ड वाला ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक जाने पर साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है घट रही है क्लियर है ये भी गलत है और ये वाला हालांकि इसने बड़ा इनकरेक्ट लिखे हुए हैं इस तरीके से यहाँ फास्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन कर दो फिर आर्सेनिक इसलिए गलत हो जाएंगे क्लियर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर तो पोटेशियम क्लोराइड ले लिया प्लस वाटर ले लिया वाटर एच टू ओ होता है पोटेशियम क्लोराइड को सी एल माइनस और के प्लस आयनिक कंपाउंड में तोड़ सकते हैं तो ये आयन हो गया और वाटर एक पोलर कंपाउंड है तो आयन और पोलर पोलर कंपाउंड मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं सर डाइपोल जिसका डाइपोल जीरो नहीं होता है नॉन जीरो तो आयन और पोलर आयन डाइपोल इंट्रेक्शन कहलाएगा के सी एल आयन फॉर्म में है वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है जिसका डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है तो ये आयन डाइपोल हो गया लंदन फोर्स नॉन पोलर नॉन पोलर मालिक्यूल के बीच में लग रहे होते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल सर आयन और नॉन पोलर मालिक्यूल के बीच में लगते हैं और डाइपोल डाइपोल पोलर प्लस पोलर मालिक्यूल के बीच में लग रहे होते हैं तो केसीएल एक आयन हो गया वाटर एक पोलर हो गया तो आयन डायपोल ये हमारे पास कहलाएगा का क्या बोलेंगे हम लोग फर्स्ट आंसर हो जाएगा थर्टी टू आओ एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है चलो मान लिया हमारे पास वो न्यूक्लियस एक्स है इसका एटॉमिक नंबर ए है मास नंबर बी है वन अल्फा पार्ट की लिमिट करता है तो माइनस अल्फा एक अल्फा पार्टिकल इमिट करने से परमाणु क्रमांक में दो की कमी और परमाणु भार में चार की कमी हो जाती है ए माइनस टू बी माइनस फोर टू बीटा पार्टिकल फिर इमिट कर रहा है टू बीटा पार्टिकल इमिट होने से सर परमाणु क्रमांक में दो की वृद्धि हो जाती है तो ए माइनस टू प्लस टू लेकिन परमाणु भार में कोई चेंज नहीं आता तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ए एंड बी माइनस फोर ये बन गया तो डॉटर न्यूक्लियाई और पेरेंट तो ये बन गया हमारे पास पेरेंट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा इसका डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएगा तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई में देखोगे सर एटॉमिक नंबर सेम है ए वहां पे भी है ए यहां पर भी है एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक यानी आईसो टो. क्या बोलते हैं समस्थानिक बोल रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर बत्तीस का कौन सा आंसर लगाएंगे हम लोग थर्ड आंसर लगा देंगे क्वेश्चन नंबर तैंतीस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियाडिक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी सर पीरियड में पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के इन्वर्स हो रही होती है और एक्सेप्शन दो पढ़ते हैं हम लोग क्या एक्सेप्शन होता है एनएस टू का एन पी वन से ज्यादा और एन पी थ्री का एन पी फोर से ज्यादा होता है इसका मतलब सर जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोडियम तो चलो सोडियम मैग्नीशियम, एलमोनीम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर क्लोरीन और आर्गन अगर ये होते तो बढ़ता तो है जड इफेक्टिव बढ़ता है पीरियड में जाने पर ठंड पीरियड के एलिमेंट हैं सारे ये तो सोडियम लेकिन मैग्नीशियम का एलमोनियम से ज़्यादा होगा क्योंकि मैग्नीशियम एक्सेप्शनली एन एस टू का एन पी वन से ज़्यादा होता है सिल्कॉन इसी तरीके से फास्फोरस का भी सल्फर से ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सेप्शनली एन थ्री का एन फोर से ज़्यादा होता है और क्लोरीन और आर्गन ये आ गया हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा ऑर्डर अब यही मैच करा लो सोडियम एलमोनियम मैग्नीशियम, सिलिकॉन के हिसाब से कौन सा हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा ठीक है तो सोडियम का सबसे कम है उसके बाद मैग्नीशियम सिलिकॉन सबसे ज़्यादा हमारे पास सोडियम अल्मोनियम मैग्नीशियम सिलकॉन का है ये रहा फोर्थ वाला मैच कर रहा है तैंतीस का कौन सा आंसर हो जाएगा फोर वाला तैंतीस का कौन सा आंसर लगाएंगे हम लोग फोर आंसर लगाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट था आयनाइजेशन एनर्जी का चौंतीस नंबर क्वेश्चन सर आओ बैलेंस करना है बैलेंस कैसे करोगे सर एम एन ओ फोर माइनस प्लस एफ ई थ्री ओ फोर है और ये चेंज हो रहा है एम एन ओ टू और प्लस एफ ई टू ओ थ्री और बेसिक मीडियम लिया है क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसे चेंज करते हैं सर सबसे पहले एम एन ओ फोर माइनस मैगनीज यहाँ प्लस सेवन में है किस में पाया जा रहा है प्लस सेवन में प्लस सेवन से किस में कन्वर्ट हो रहा है सर एम एन ओ टू प्लस फोर में यानी क्या हो रहा है रिडक्शन तो पहले रिडक्शन के लिए बैलेंस करेंगे दूसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन होनी चाहिए तो एफ ई थ्री ओ फोर है और ये कन्वर्ट हो रहा है सर एफ ई टू ओ थ्री में इस तरीके से ठीक है तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है एक रिडक्शन हो रहा है तो सबसे पहले बैलेंस करने का जो तरीका होता है बैलेंस अदर इलीमेंट रिडॉक्स रिएक्शन में यह पढ़ते हैं हम लोग एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिर सेकेंड काम होता है सर बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर फिर तीसरा काम होता है सर बैलेंस हाइड्रोजन बाय जिधर जितने कम होते हैं उतने उधर जोड़ दिए जाते हैं एच प्लस और लास्ट काम होता है सर बैलेंस चार्ज बाय लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये एडिंग इलेक्ट्रॉन ये है पूरा मेथड अब इसको पूरा करने के लिए सर ये क्रम वाइज है और जब मीडियम सर अगर बेसिक हैं तो बेसिक मीडिया में एक काम करते हैं जितने एच प्लस हैं उतने ही ओ एच माइनस बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जोड़ देते हैं यह पूरा एक तरीका है और इसको हम लोग बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मैथड ये क्या कहलाता है हमारे पास सर आयन इलेक्ट्रॉन मैथड बोलते हैं इसको so, क्या बोलते हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मैथड अब इस आयन इलेक्ट्रॉन मैथड से पूरा बैलेंस करना होता है बेसिकली और ये मैथड जब हम लोग लगाएंगे और बैलेंस करेंगे हमने बैलेंस करके रखा हुआ है टू सिक्स नाइन क्या आंसर आएगा इसमें टू सिक्स नाइन आ जाता है एक्स की वैल्यू एफ की वैल्यू जेड की वैल्यू सारी वैल्यू चौंतीस के बाद क्वेश्चन नंबर पैंतीस पे आए हम लोग रिएक्शन कौन सी ऐसी है जो एनोड पर होती है क्रोजन ऑफ आयरन यानी लोहे की जंग जब लगती है तो लोहे की जंग लगने पर सर कौन सी रिएक्शन होती है तो ये है एनोड पे होने वाली रिएक्शन सर जहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है क्या हो जाता है ऑक्सीकरण हो जाता है क्लियर यहाँ तक ये फोर्थ वाली छत्तीस नंबर क्वेश्चन में सर सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एल है एल्कोहलिक रिएक्शन इलिमिनेशन की है यहां दो चीजें हो रही है सर क्या दो चीजें होती हैं तो पहले के सी एल निकलता है फिर इलिमिनेशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन तो न्यूक्लियोफिलिक नहीं देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हेलो एल्केन जो होती है ये हमेशा ही न्यूक्लियोफिलिक ऑफन रिएक्शन देती है इलेक्ट्रोफिलिक ट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं ठीक है तो एक ही आंसर लगेगा इसमें कौन सा सेकेंड वाला हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक फिलिक्स रिएक्शन दे रही होती है बाद में लिमिलेशन के थ्रू के सी एल बाहर निकल जाता है तो क्वेश्चन नंबर छत्तीस का सेकेंड आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सैतीस गलत लिख गया है सही करना मेरा काम है मेथाइलिनियम सी एच थ्री प्लस तो सी एच थ्री प्लस ये लिखा हुआ हमारे पास सी एच थ्री प्लस का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सर तो सी एच थ्री प्लस कुछ इस तरीके का होता है सर एस पी टू ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा ट्राइगोनल प्लेनर तीन सिग्मा बॉन्ड से एस पी टू आता ट्राइगोनल प्लेनर होता है सैंतीस का सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा अगला क्वेश्चन लिया हमने क्वेश्चन नंबर अड़तीस मिसेल्स क्या होते हैं सर तो मिसल बनाता कौन है सर सोप और सोप मालिक्यूल कैसे होते हैं सर आर सी डबल ओ एन ए कैसे बनता है वो हम आपको दिखाते हैं मिसेल कुछ इस तरीके से होता है सर जहाँ पे जो सोप के मालिक्यूल होते हैं उसमें C डबल ओ वाला पार्ट अंदर की तरफ और एल्किल पार्ट बाहर की तरफ होता है माफ करिए एल्किल पार्ट अंदर की तरफ और C डबल ओ वाला पार्ट बाहर की तरफ होता है ये मिसल फॉर्मेशन है मिसल में ऐसा होता है क्योंकि C डबल ओ माइनस जो होता है वो पानी में आसानी से घुल जाता है जबकि एल्किल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है वो पानी में आसानी से नहीं घुलता ये मिसल है होता क्या है सर जैसे C17 H35 और सी डबल ओ एन ये हमारे पास एक सोप है जब सोप के ढेर सारे मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं एग्रीगेट करते हैं तो ये मिसल का फॉर्मेशन करते हैं अब इस सोप को हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं सर एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये सी डबल ओ एन ए तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि ये जो पार्ट है पूरा इसको क्या बोल रहे हैं सी सत्रह एस थर्टी फाइव सी डबल ओ एन ए ये है सोप एक्चुअल में सर ये जो हमारे पास इतना सा पार्ट है यहाँ तक ये टेल कहलाता है और यह टेल जो होता है सर ये पानी से डरता है मतलब हाइड्रोफोबिक होता है एल्किल पार्ट नॉन पोलर होने की वजह से जबकि ये जो पार्ट है सर सी डबल ओ माइनस एन है इसको हेड बोलते हैं और ये हाइड्रोफिलिक होता है यानी पानी में आसानी से घुल जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है पोलर पार्ट तो इसीलिए जब ये सोप का एक मालिक्यूल है एक मालिक्यूल सोप का जब इस एक मालिक्यूल के ढेर सारे जब जुड़ जाते हैं तो आपस में मिसेल फॉर्मेशन करते हैं यहाँ कहीं बीच में गंदगी होगी उसी गंदगी के चारों तरफ ये चिपक के पानी के साथ इसको रिमूव कर देते हैं का फॉर्मेशन जो साबुन होते हैं का आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड आएगा क्लियर तक अड़तीस क्वेश्चन नंबर उनतालीस बोल रहा है कि कोई क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट सारे ही हाइड्रेटेड इसमें सात वाटर इसमें दस वाटर इसमें दो वाटर इसमें पांच वाटर जब उसको हीट किया गया फोर्टी फोरसेंट ऑफ इट्स मास ऑन हीटिंग ए बचा होगा पानी उड़ गया होगा बचा होगा रेजिडियो फार्मूला क्या होगा अब इसमें देखो करना कुछ नहीं होता है फार्मूला निकालने के लिए हाइड्रेटेड सॉल्ट है एक्स वाटर हम लोग मान लेते हैं है ना और 44.1 परसेंट इस मास निकल बचा हुआ है तो बचा हुआ मास एन का है किसका बचा हुआ है का तो एक्स एच टू हमको पता ही नहीं कितना है कितना नहीं है कितने वाटर है ये हमको पता ही नहीं होते हैं ठीक है तो इसको करना क्या होता है सिंपल सा काम हमारे पास अब सोडियम सर अगर निकालोगे टू इंटू ट्वेंटी थ्री सल्फर बत्तीस ऑक्सीजन चौंसठ और वाटर होता है अट्ठारह इंटू सात ये पूरा ऐड कर लो पहले वाले में ऐड करने के बाद यहां से जब वाटर निकल गए माइनस सेवन एस टू ओ वाटर निकल गया यानी अब बचा क्या हमारे पास टू इंटू ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर वाटर निकलने का मतलब अठारह इंटू सात बाहर निकल चुका है इतना ग्राम वाटर मतलब मास बाहर निकल गया वाटर इसका तो पहले कितना मास था बाद में कितना बचा और बोल रहा है कि जो रेजिडियो रेजिड्यू मतलब बचा हुआ मास वाटर के जाने के बाद वो फोर्टी फोर पॉइंट वन परसेंट है ये हमको निकालना है इतना है 44.1 परसेंट तो पहले अगर हम लोग निकालें सर सोडियम सल्फेट का मास तो तेईस छियालीस प्लस बत्तीस प्लस चौसठ तो चौसठ छह सत्तर चार चालीस एक सौ दस और बत्तीस हो गया एक सौ बयालीस ग्राम और वाटर एक सौ अब एक सौ बयालीस ग्राम किसका चौवालीस हम होगा बचा हुआ मास निकल गया है तो अगर हम लोग वाटर देखें अगर 10 वाटर होते मान लो बाई चांस तो 18 इंटू दस कितना हो गया 180 ग्राम कितना हो गया 180 तो 142 और 180 ग्राम तो ये जो है हमारे पास हमने कैलकुलेट किया और कैसे निकालते हैं तो 142 ग्राम कितने का चॉइस हम एक परसेंट है ये निकालना है बस ये करना होता है ठीक है हमने क्या किया पहले ये मास निकाल लिया एक ग्राम अब ये एक ग्राम कितने का चवालीस दशमलव एक परसेंट है एक सौ बयालीस कितने का तो टोटल एक्स निकल जाएगा यहां से हमको वन फोर्टी टू डबल जीरो अपान चवालीस दशमलव एक अब ये जो एक्स निकल के आएगा अब इस एक्स का टोटल वेट निकल गया टोटल वेट काउंट कर लो इसमें से एक सौ बयालीस में जोड़ के तो फाइनली आंसर क्या आता है हमारे पास सेकेंड आता है वाटर ही निकलते हैं गर्म करने पर तो सोडियम सल्फेट का पहले मास निकालिए एक सौ बयालीस जो कि इतना परसेंट है अब कितने का ये तो हमने मान लिया x का इतना परसेंट एक ग्राम है तो x हमको क्या मिल गया सर टोटल वेट मिल गया और 142 ग्राम हमें पता है टोटल वेट में से 142 घटा दो इतना घट के ही आता है और जितना आएगा उतना देख लो कितने में वाटर पाए जा रहे हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा दिमाग का यूज करना था ठीक है क्वेश्चन नंबर इकतालीस था ये हमारे उनतालीस था चालीस िन सर फिन एक एसिडिक इंडिकेटर होता है किस टाइप का इंडिकेटर है एसिडिक मीडियम कहाँ यूज करते हैं है, सर बेसिक मीडियम में तो बोल रहा है इज नॉट ए सुटेबल इंडिकेटर किसके लिए सुटेबल इंडिकेटर नहीं है तो ये बेसिक मीडियम है ये भी बेसिक मीडियम है ये भी बेसिक मीडियम है लेकिन ये दोनों ही एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे भाई एसिडिक इंडिकेटर बेसिक मीडियम में वर्क करता है और बेसिक इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में वर्क करता है जो होता है वो एसिडिक इंडिकेटर है बेसिक मीडियम में वर्क करेगा और इन तीनों में बेसिक पार्ट इन तीनों में ये वर्क कर देगा लेकिन यहां दोनों ही एसिडिक पार्ट है यहां वर्क नहीं कर पाएगा क्वेश्चन नंबर चालीस क्वेश्चन नंबर इकतालीस पे आए कौन सा इलास्टोमर इलास्टोमर मतलब होता है सर रबड़ किसको बोलते हैं रबड़ तो दो ही रबड़ एनशीआर में दी हुई है नाइलॉन सिक्स सिक्स पोलियमाइड होता है नियोप्रीन नाइलॉन सिक्स ये पोलियमाइड ये भी है पोलिय क्राइलोनाइ टेफलॉन ये सर हमारे पास रबड़ नहीं होते हैं रबड़ होते हैं ब्यूना एन और ब्यूना एस ब्यूटा यहां पे वन थ्री ब्यूटा डाई इन विद स्टाइरिन थ्री ब्यूटा डाइ इन विद एक्राइल और नाइट्राइल हाइड्रोपोलीमर होते हैं कोपॉलीमर होते हैं मिलके क्या बनाते हैं रबड़ बना देते हैं क्या बना देंगे रबड़ बना देंगे ठीक है तो जैसे ब्यूना एस बहुत लोग कंफ्यूज होंगे व्हाट इज द ब्यूना एस तो ब्यूना एस होता है सर वन थ्री ब्यूटा डाई इन इस तरीके से ये तो ब्यूना का मतलब ये है ब्यूटा डाई इन और प्लस एस का मतलब होता है स्टाइरीन दिस इज स्टाइर और यही आपस में दोनों मिलके क्या बना देते हैं ब्यूना एस और ब्यूना एन में ब्यूटा डाइ इन तो है ही है उसकी जगह एक्राइलो नाइट्राइल का यूज कर लेते हैं दिस इज एक्राइलो नाइट्राइल जो एन लिखा हुआ है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आपस में मिलकर रबड़ बना लेते हैं लास्टोमर बना लेते हैं तो फोर्टी का पॉलिमर क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा फोर्थ आंसर हो जाएगा है एक नहीं क्लियर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अगला केमिस्ट्री का ये रहा ल्यूकास रीजेंट से कौन एल्कोहल तुरंत दे, दे देगा सर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल जो होती है विद ल्यूकास रीजेंट जब हम लोग निकालते हैं तो सबसे ज्यादा सर टर्सरी एल्कोहल होते हैं जो विद इन सेकेंड सेकेंड्स के अंदर गिव वाइट टर्बिडिटी सफ़ेद प्रेसिपिटेट बना देते हैं वाइट प्रेसिपिटेट या वाइट टर्बिडिटी सेकेंडरी एल्कोहल उससे कम रिएक्टिव होते हैं ये भी सर देते हैं बट विद इन मिनट ये विद इन मिनट देंगे और प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और ये भी देते हैं बट ये विद इन आवर कई घंटों लग जाएंगे इनको व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी व्हाइट टर्बिटी डीएनए में जबकि सेकेंडरी अल्कोहल एक घंटे से पहले और टर्सरी अल्कोहल एक मिनट से पहले यानी सेकेंडों में हो जाएगा तो तुरंत कौन देता है तो टर्सरी अल्कोहल जो होगा तो ये टर्सरी अल्कोहल ये लिखा हुआ है हमारे पास ये जो बना हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या कहलाएगा हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है इस तरीके से सी वाला ऑप्शन क्लियर है पहला वाला प्राइमरी अल्कोहल है अगर आप देखोगे दूसरा वाला देखना चाहोगे तो सेकेंडरी है ये भी प्राइमरी एल्कोहल है तो आंसर एक ही आएगा 46 का कौन सा थर्ड वाला 46 का कौन सा आंसर हो गया थर्ड हो गया यहां पर अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का हमारे पास 56, है। 56 ये रहा। कौन सा सोप ऐसा है जिसमें लेस सोप है सोप लेस सोप। सर टॉयलेट मेडिकेटेड और ग्लिसरीन सोप में तो हम लोग सोप यानी RCWO, का यूज यूज कर रहे होते हैं हैं ये सोप होता है इसका यूज़ करते बट लॉन्ड्री सोप नहीं होता सर लॉन्ड्री सोप एक्चुअल में ये डिटर्जेंट होता है लॉन्ड्री सॉफ्ट सोप, सोप ना हो क्या होता है हमारे पास डिटर्जेंट कहलाता है ठीक है एंड लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो सर ने तो हालांकि बता ही दिया आई थिंक ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का सर ने बता ही दिया है इसमें बहुत बड़ा तो चीज हमको लगता नहीं बन रहा है फिजिक्स का क्वेश्चन आज फिजिक्स के सर आ नहीं पाएंगे इसलिए उन्होंने कहा था कि आप क्वेश्चन सर टिक कर दीजिएगा आंसर तो हो सकता है मे बी वो बाद में कराएंगे तो हमारे पास उनके कुछ क्वेश्चन हैं उनके हम आंसर टिक कर देते हैं आपको ये आ, ये ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे वहां से आप सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिएगा फोर्टी टू का जो आंसर आएगा वो थर्ड आंसर आएगा फोर्टीन सेकेंड सर ने ये दिए हुए आंसर कहाँ सर आंसर बता दीजिएगा बच्चों को क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करवाएंगे तो आज फिजिक्स की अनेबिलिटी थी 43 में उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया हुआ ये सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ज्वाइन कर लीजिएगा टीचर्स एकेडमी पे वहाँ आंसर आपको ये मिल जाएंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा सर ने आंसर यहाँ पर दे रखे हैं फोर्टी का सर ने सेकेंड ऑप्शन दे रखा है फोर्टी का सर ने फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फोर्टी का सर ने दे रखा है फोर्थ आंसर फोर्टी नाइन का सेकंड है आज अनेबल है सर तो माफ़ करिएगा उसके लिए कहीं बिजी है वो तो ये हो गया हमारे पास फिफ्टी का सेकंड फिफ्टी वन का उन्होंने सेकंड आंसर दे रखा है फोर पॉइंट टू मीटर फिफ्टी टू का भी उन्होंने सेकंड ही ऑप्शन दिया जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पर उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है फिफ्टी थ्री का भी उन्होंने सेकेंड आंसर दे रखा है फिफ्टी फोर के लिए भी उन्होंने सेकेंड यानी जीरो आंसर दिया है कुछ फीगर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका फिफ्टी फाइव का आंसर उन्होंने फर्स्ट यानी थाउजेंड मीटर ये भी फिगर से ही रिलेटेड विलोस्टिक टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है सर ने दिया हुआ है फिफ्टी एट क्वेश्चन में उन्होंने फोर्थ आंसर यानी पंद्रह मीटर बोल रखा है फिफ्टी नाइन में उन्होंने सेकेंड यानी साढ़े सात ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कोई सॉलिड वेट है आ, लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है फिजिक्स का सर उसको रिप्रेजेंट करेंगे मुस्तफा सर जैसे ही खाली होंगे साठ में सेकेंड ऑप्शन उन्होंने बोला सिक्सटी वन में उन्होंने आंसर दिया हुआ है सिक्सटी वन का आंसर उन्होंने माइनस जीरो पॉइंट फाइव डायरेट पर बोला है माइनस में ये आंसर उन्होंने बोला है यहाँ हालांकि कोई माइनस लगा नहीं है तो प्लस लगा हुआ था हमको लग रहा है ये माइनस ही होना चाहिए था तो सेकेंड ऑप्शन लगा देते ये माइनस यहाँ प्लस था तो ये माइनस होना चाहिए था सिक्सटी टू का फर्स्ट आंसर उन्होंने बता रखा है नाइन पॉइंट एट टू ओम आएगा सिक्सटी टू का अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो गए तो सर जब फ्री होंगे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पहुंचेगा आप ट्राई करिएगा आंसर मैच कराइएगा सिक्सटी थ्री का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 64 का आंसर थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस अब जो भी क्वेश्चन है स्फेरिकल मिरर डिपेंड ऑन वेदर द रेज आर पैरागियल और नॉट है तो जो एक्सपर्ट है इसके वही आपको बेटर समझा पाएंगे ए डाइवर्जेंट लेंस इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए ऑप्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स का फोर आंसर ही ट्वेंटी सेंटीमीटर उन्होंने आंसर दिया हुआ है और ये भी लेंस से रिलेटेड यानी ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन सिक्सटी सेवन में फर्स्ट आंसर उन्होंने दिया हुआ है ये भी मिरर लेंस का ही क्वेश्चन आई थिंक दिखाई दे रहा है फिगर के हिसाब से सिक्सटी एट में उन्होंने कहा है थर्ड आंसर नहीं डाउनवर्ड होगा और आई थिंक ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टेटिक का क्वेश्चन है मैग्नेट से रिलेटेड फील्ड के बारे में है सिक्सटी नाइन का आंसर उन्होंने थर्ड दे रखा है यानी ये वाला आंसर होगा और स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रेक्टिव इंडेस और वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड उनका ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स का आंसर उन्होंने रूट टू दे रखा है तो किसी वजह से आज वो नहीं आ पाए क्षमा है। प्रार्थी हैं उसके लिए हम जब भी वो फ्री होंगे सर तो आपको ये करा दिए जाएंगे ठीक है चलो बाकी द लास्ट पॉइंट आपका हमारे को जो कहना रहता है वही फाइनल चीज कि आपका न्यू बैच स्टार्ट है फॉर्म आपके भरना शुरू हो गए हैं आठ फरवरी से फॉर्म भरना आपके शुरू हो गए हैं आठ मार्च तक डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस या जिसको आप लोग साइंस भी बोल रहे होते हो उसके फॉर्म फिल किए जाते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जुलॉजी बायो में से किसी भी एक सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में है चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे बॉटनी हो चाहे जुलॉजी हो कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका है ग्रेजुएशन में कोई भी एक किसी भी एक ही साल चाहे क्यों ना हो अगर है तो आप इसके लिए क्या मान लिए जाओगे एलिजिबल हो आप फॉर्म भर दीजिए वैकेंसीज में पोस्ट बढ़िया निकली है साइंस की और बैच ज्वाइन करने के लिए आप नाइन सिक्स टू एट नाइन फाइव नाइन टू थ्री सेवन नंबर है इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस पर आप कॉल या वाट्सअप करके जो भी बैच आपको लगता है कि सूटेबल होगा इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिलेबस को किस तरीके से सारांश फॉर्म में हम लोग कवर करते हैं पढ़ाते चलते हैं ठीक है तो आज संडे का ये था हमारे पास पूरा नेक्स्ट संडे हम लोग अगला फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए फिर मिलते हैं पढ़ते रहिए है। Mastreia.